नया जो डैम बना है धर्मपुरी में बन के तैयार है, उस बार उसको दो बार खाली करना पड़ा क्योंकि पूरा फुल हो चुका है। लेकिन उसका उसकी वजह यह है कि जो धूप प्रभावित जमीन जो आ रही धूप में आ रही जमीन उनका मुआवजा नहीं बढ़ा जिससे उसको दो बार खाली करना जी। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है और जब मैं पिछली बार झाड़ू आया था तो मुझे भी ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर कुल कितने लोग होंगे जो जितनी जमीन आती है 72 है तो उनके हमने लिस्ट मंगवाई है और उनके लिए हम उनको पूरा मुआवजा देंगे उसके हमने जानकारी बुलाई है और मैं आज ही बात करूँगा कलेक्टर साहब से कि ये जानकारी को तुरंत मिल जाए ताकि इनकी प्रक्रिया आगे बढ़े। सर आपको शहर में पार्टी यूज़ कर रही है चुनाव में तो आप क्या गारंटी ले सकते हैं कि इस बार 12 नंबर वार्ड जो भैया जी का उससे उनको लीड दिलाएंगे? अब देखिए चुनाव में हमारा तो प्रयास यही है कि जो पूरे 18 वार्ड हैं झाबुआ के सभी जगह है कांग्रेस को लीड मिली और हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं अब और मुझे पूरा विश्वास है कि कांतिलाल भूरिया जी को अच्छी लीड मिलेगी शहर से। सर बीजेपी परिवारवाद को मुद्दा बना दिए कांग्रेस प्रत्याशी व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। देखिए कांतिलाल भूरिया जी 40 साल पहले जब उन्होंने राजनीति चालू की उनके पास उनके पिता या कोई उनकी फैमिली से ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं था, वो खुद की मेहनत से आगे बढ़े और आज जो भी उन्होंने नाम कमाया है उनकी मेहनत से किया है। केंद्र सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे अनेक बार, प्रदेश में मंत्री रहे और आज भी उनका व्यवहार वैसा ही है जैसा उनका 40 साल पहले था। कल दिग्विजय सिंह जी ने बहुत बड़ी घोषणा की मंच से, ये शायद उनका आखिरी चुनाव है भूरिया जी का। मैंने सुना है कि आम जनता ये सुनकर बहुत भावुक भी है। उनने हमेशा निस्वार्थ रूप से झाबुआ के लिए काम किया है, झाबुआ क्षेत्र की सेवा की है। जब वो केंद्र मंत्री भी थे, जब वो सांसद भी थे तो हर दम झाबुआ के बारे में सोचते थे। तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि इतना एक बड़ा नाम जो रहा है और जिन्होंने हमेशा विनम्रता के साथ में और सरलता के साथ में काम किया है, पूरा जीवन बताया है, मैं मानता हूँ कि पूरा झाबुआ हमको इसीलिए पूरा आशीर्वाद देगा। सर ये चुनाव इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है, इतनी बड़ी चुनौती बहुत कांग्रेस के सामने है कि इस तरह के भावनात्मक पहलू के साथ कांग्रेस को मैदान में उतरना पड़ता है? बात वो नहीं है, देखिए चुनाव तो चुनाव मुश्किल होता है, मैंने कभी कोई सरल चुनाव के बारे में सुना नहीं है, चाहे चुनाव सरपंच का हो, पार्षद का हो, नगर पालिका का हो, जिला पंचायत का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, हर चुनाव हर बार उतना ही मुश्किल होता है। और मैं मानता हूँ कि हमेशा जब जब चुनाव के बारे में बात करते हैं चुनाव में जनता मालिक है, जनता ही का जो आदेश है वही सब लोग को मानना है और जनता के बीच हम जा रहे हैं। सर आपका प्रोफाइल कहना है कि जो सिंधिया जी को आमंत्रित